तो दवाई लेते हुए चलेगा क्या? किस चीज की दवाई? हैं? किस चीज की? लेट जाओ थोड़ा सा, अच्छी जगह देख के लेट जाओ थोड़ी देर, कमर सीधे रहिए, कमर नहीं हो चलेगी, ये बहुत जरूरी है। अभी तो रजिस्ट्रेशन भी आ गया, रजिस्ट्रेशन के लिए नॉर्मल ये बैंड देखो, ऐसे बैंड मिलेंगे आ सकता है, आगे बुकिंग हो जाएगा, बहुत इजी हो जाती है उससे। तो बोल नहीं था कि गुफा के अंदर थी गौरीनाथ जब, और आपको कंप्लीट अगर दर्शन करने हैं तो आपको इन सब जगह जाकर उनके दर्शन करने पड़ेंगे। हर हर महादेव। दवाई लेते हुए चलेगा क्या? किस चीज की दवाई? किस चीज की दवाई? किस चीज की दवाई भाई? कोई भी पेट दर्द, ये सर दर्द की गोली मेरे पास बैठ जा, कुछ नहीं होगा। हाँ कुछ नहीं होगा, सब कुछ है माल भाई, सब मिलेगा माल, सब कुछ है, ठीक है, थोड़ी देर में बैठ जाते जाएगा। चलूँ हर हर महादेव। Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. Full kar do bhai. Kitna nahi yaar, 500 kar do. Stay strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. बर्फ पड़ रही है भाइयो, हमें तो यही बर्फ मिल गई। तो भाई अब ऋषिकेश में तो आ गए हैं, बट ऋषिकेश में जाने नहीं दे रहे, गंगोत्री गंगोत्री वाला रास्ता बंद है, वो कहते हैं जाने नहीं है। अब ट्राई करते हैं केदारनाथ वाला, ये हमारा पहला फूड ब्रेक। मयूर भाई की मैगी आ गई, भाई तेरी मैगी आ गई, तो बाहर बैठ रहे हैं, मत कह दियो भूखा मार दिया। तो फाइनली वी आर इन देवप्रयाग, वो भी इस टाइम 1 बज चुका है, 1 बजे हम देवप्रयाग में हैं। और अभी जो मैं हर बार रुकता हूँ जहाँ पे आके, जो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं यहाँ आके रुकता हूँ, ये है संगम, और ये संगम ना दिन में यहाँ से देखने में बहुत प्यारा लगता है, अभी इतना समझ नहीं आ रहा पर बहुत प्यारा लगता है। और आते हुए मैं सोच रहा हूँ यार, मैं हर बार सोचता हूँ मैं जा नहीं पाता, अब क्या आएंगे ना अगर दिन में होंगे तो वहाँ संगम पे चलेंगे नहाने। हाँ ठीक, संगम पे डुबकी मार के फिर चलेंगे। हाँ तू बता क्या चल रहा है, कैसा लग रहा है भाई, मजे आ रहे हैं? जानता हूँ कैसा लग रहा है, मजे आ रहे हैं भाई, ठंड तो भाई बस, अभी तो आगे आगे और बढ़ेगी। अब हम जो रूट चेंज करेंगे ना, अब हम यहाँ से लेफ्ट चढ़ के जाएंगे, पूरा राइट चढ़ के उधर जाएंगे, अब रोड सिंगल हो जाएगा, और चमक रही है लाइट, उससे भी पार जाएगा तो, और उससे भी ऊपर जाएगा, वहाँ रोड सिंगल हो जाएगा और वहाँ ठंड बढ़ जाएगी। और अभी रोड पे कुछ नहीं चल रहा, सिर्फ ट्रक चल रहे हैं कुछ, और लोगों को रोक रहे हैं, बट हमें तो ऐसे किसी ने नहीं रोका, तो हम आ गए सीधा, तो मे भी हम सुबह तक पहुंच जाएंगे अपने टाइम से। भाई हमारी राइड होगी 350 किलोमीटर, मन कर रहा थोड़ी देर रेस्ट कर लो। वो देख माहौल में ठीक है भाई, ये कमर सीधी करने की निंजा टेक्निक है जो बहुत जरूरी है, बाइक पे बैठ बीच में जहाँ भी मिले ना, जैसे रुको लेट जाओ थोड़ा, अच्छी जगह देख के लेट जाओ थोड़ी देर, कमर सीधी रहिए, कमर नहीं अकड़ेगी, ये बहुत जरूरी है। कि मैं नहीं करता हूँ तो मेरे बैक में पेन हो जाता है, पहुँचने के बाद जहाँ पहुँचे में बैक में पेन हो जाएगा, घुटने में पेन हो जाएगा, तो बीच बीच में जहाँ रुको तो थोड़ी देर लेट जाओ तो कमर थोड़ी सी दिख जाए, कमर वाले। और भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हवा बहुत तेज़ चल रही है, बाइक तेज़ चला नहीं पा रहे,
और हवा तेज चल रही है, उसकी वजह ठंड भी लग रही है, और ज्यादा तेज बाइक चला रहा है, बाइक पर थप्पड़ लग रहा है, हवा तो गिर सकती है। हाँ भाई भाई को नींद आ रही है भाई, देखो ये पत्ते देखो कैसे साइड लगा लो कितनी तेज हवा है। चलो फिर चलते हैं अब श्रीनगर रुकेंगे आकर थोड़ी देर। हाय हर हर गंगे, हर हर गंगे। ये अपनी दन्नो खड़ी है, बट ना मेरे को इस बार इसको चलाने में थोड़ा अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों मेरे को आवाज आ रही है इसमें, मुझे पता नहीं चल रहा कहाँ से आ रही है। हाँ मेरे को आवाज आ रही है बाइक में, पहली बार मेरे को ये बाइक चलाने में थोड़ी सी अजीब लग रही है, क्योंकि इसमें आवाज आई है कहीं पे, मुझे नहीं पता कहाँ से आ रही है, तो जाके इसको दिखाएंगे। पर भाई क्या मस्त चल रही है, क्योंकि जैसे हवा चल रही है ना यहाँ पर, जैसे रिश्ते में बारिश थी और जो सब कुछ हो रहा था, बाइक की हालत देखो बाइक में, भाई लाइट से दिखेगा क्या, लाइट इतनी गंदी है, लाइट साफ कर दो उसके पकड़े बारे में। कैमरामैन मयूर के साथ बाइक साफ करने वाले मोहित कहते हैं। चलो भाई चलो चलते हैं, और मेरे इस कैमरे की बैटरी डाउन होगी तो इसको चार्जिंग पे लगाता हूँ, साथ के साथ फिर ऑन करता हूँ। अगर कोई दूसरा रास्ता अगर खराब हो तो ये रास्ता है, देवप्रयाग, सुतपुली, कोटद्वार और दिल्ली। मैं आया हूँ इस रास्ते से, और बड़ा प्यारा रास्ता है ये। चलो भाई हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओड़ी चौली श्रीनगर फाइनली आपको व्यू तो दिख ही रहा होगा सामने, देखो वो देखो वाइट पहाड़, अभी थोड़ी थोड़ी रोशनी होने स्टार्ट हुई है, बात करने वाले 3 मिनट है, और मुझे राइड करते हुए 11 घंटे हो गए, छह से निकला था वो, तो देखो पहाड़ बर्फ दिखी तो बस कहीं बहुत अच्छी जगह आया हूँ मैं, तो जो थोड़ी देर में आप लोगों को वैसे समझ आ जाएगा इसका आया हूँ, बट ठीक है उससे पहले गैस कर दो आप, कमेंट कर दो कि कहाँ हूँ मैं बिना देखे। बाइक के लिए आगे वाली पार्किंग कौन सी है? यही है वो, ये लास्ट है पीछे कुछ नहीं, ये गोरी कुंड वाली है जी, गोरी कुंड आ गया, ये कौन सी वाली है? सोनप्रयाग वाली, सोनप्रयाग गोरी कुंड पे नहीं हो रही है यही तक पकड़ अभी पकड़ पता फाइनल हम सोनप्रयाग पहुंच गए हैं, और बाइक पार्किंग में लगा दी, ठंड बहुत है, और उससे बड़ी बात ये लाइन जो भीड़ देख रहे हो ना, ये कम से कम 4-5 किलोमीटर पीछे से भीड़ है, जो पहले वाली पार्किंग है ना वहां से लेके यहां तक भीड़ है, वो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि बाइक लेके हमें आगे आने दिया, नहीं तो बुरा हाल हो जाता भाई, ठंड है भाई यार, साले ऊपर क्या होगा, बड़े फैंसी फैंसी कपड़े लेके आए हुए तो हेलमेट क्या है? मेरा क्या है भाई साहब, अब मैं कैसे करूं जल्दिया भाग के, हर हर महादेव भाई, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है,
अभी तो रजिस्ट्रेशन भी आ गया, रजिस्ट्रेशन के लिए नाम लिखना। अगर आप बाइक की पार्किंग यहाँ लगा दें तो फिर आप वहाँ जाएंगे। पहले 50 का जवाब दे। तो फाइनली यार हमारा लक है कि हम आ गए, नहीं तो ये भाई अब तो 3 बजे से लगे हुए हैं। हाय वेट कर रहा है नंबर आ जाए। अरे हर महादेव, ये दो हजार मैं नहीं ये 3 और कुछ मेरा हो रहा भाई, वो खड़ा लेके जान नहीं दे। क्या करना है इसको, हाथ में रखना है। थैंक यू। चलो लाइन में, लाइन में जल्दी चल, लाइन में भाई। मेरे को पता ना सामान लोकर में रख के गर्मी सी आ गई। फर्स्ट सनलाइट भाई, सूरज निकल गया, देखा जा रहा है सूरज निकला रहा ना, तो दिन में जैकेट भी निकाल रहा था भाई। ऊपर बर्फ पड़ी है कल। हाँ तो ना जाए फिर ऊपर, ना जाए फिर ऊपर, इतनी दूर इतनी मेहनत करके आए, तूने पूरी रात मुझे बैक करा। मेरे को ठंड लग रही है भाई यहाँ। नहीं थोड़ा आगे और रोक, थोड़ा आगे और रोक भाई, मेरे हाथ जम गए थे देखते यार, मेरे को बड़ा गंदा लग रहा है। तो फाइनली अब हम वेट कर रहे हैं, यहाँ से हमें टैक्सी मिलेगी, यहाँ से हमें टैक्सी मिलेगी, बट भीड़ बहुत है। और मैंने ना उससे बात की थी लोकल वाले से, तो कह रहा भाई तो टेंशन मतलब मिल जाएगा ऊपर उधर, क्योंकि जितने लोग तुम जा भी रहे हो उतने लोग वापस भी आ रहे हो, और ऊपर बहुत कैपेसिटी आराम से मिल जाएगा, वो टेंशन लेने की बात नहीं है। और अभी ये लाइन है, वेट कर रहे हैं कब ख़त्म होगी, क्योंकि ये टैक्सी वाली लाइन है, टैक्सी मिलेगी यहाँ से, फिर हम गौरीकुंड पहुँचेंगे, गौरीकुंड से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी हो जाए, हम जल्दी कर लें उसको। मतलब 3-4 लाख आदमी, 2 लाख में भाई, 4 लाख मैं 5-7 किलोमीटर पहले से मैं ट्रैफिक स्टार्ट देख लिया था, मतलब आदमी लाइन में खड़े थे इतने दूर से। कुछ भाई जो हमारे साथ वैसे भी खड़े हैं, तो 3-3 बजे से लाइन में, 3 बजे की लाइन का मतलब 3 बजे कहाँ थे हम, 3 बजे श्रीनगर थे, रुद्रप्रयाग नहीं है श्रीनगर थे, रुद्रप्रयाग के और पास पड़ता है श्रीनगर, श्रीनगर से ही पहले थे। हाँ श्रीनगर से भी पहले थे हम 3 बजे, तो देख ले अब। हाँ भाई जय बोले, जय बोले के मम्मा बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, पार्वती पते हर हर महादेव, शंभो जय शिव शंभो। ये पानी ऊपर से आ रहा है, मंदाकिनी का पानी, ये मंदाकिनी का पानी ऊपर से आ रहा है, इतना चिंत पानी होगा ना, ये बर्फ से बना है अभी। हाँ भाई कैसा एक्सपीरियंस है तेरा? बहुत बढ़िया, बहुत क्या है, क्या आवाज आ रही है ना पानी की, इतनी प्यारी। भाई भाई बैठ बैठ आ गया भाई, कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हमारे साथ। हमने लाइन जितने भी लोग लगे हैं ना, जितने भी लोग 2 बजे से 3 बजे लगे हैं, हमें लाइन में लगना पड़ा, अच्छे से पहले आ गए। भाई आगे बैठा हूँ मैं, पिछली बार पीछे बैठा था, मेरे साथ है ना, मेरा काम है। मेरे साथ भाई के साथ हूँ, भाई ज्यादा लग लेके आया अपना, मेरे को फायदा हो रहा है। तो 2-3 चीज बेसिक चीजें बता दूंगा आपको, बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप बाइक से आ रहे हो तो आप अंदर वाली पार्किंग में लगाना, और गाड़ी से आओगे तो आपको बाहर लगवा देंगे, और उसके लिए पहले तो बहुत लंबा जाम है गाड़ी होगा 10-1 किलोमीटर का, उसके बाद जाम मिलेगा, आप पार्किंग से लगा के निकलोगे, फिर आपको लाइन में लगना पड़ेगा, और लाइन भी 5-6 किलोमीटर लंबी लाइन है, उसके बाद आप पहुँचोगे। तो मेरा गुड लग ये था कि हमारे पास बाइक थी तो हम आगे वाली पार्किंग में लगे,
और रिक्वेस्ट करके हम लाइन में लगे, और इसके बाद हमें आते ही हमें मयूर में जाके हमारा बुकिंग नहीं थी, हम बुकिंग लेके नहीं आए थे क्योंकि हमें मिल नहीं रही थी, बट हमें आना था तो मैंने जाके लॉकर में सामान रखा और मयूर ने जाके अपना वहाँ बुकिंग करा ली। और आप आ सकते हो, ये बैंड देखो ऐसे बैंड मिलेंगे, आ सकते हो आके बुकिंग हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाती है, उससे तो बहुत ईजी होती है। ये पूरा आपको नंबर और सब कुछ स्कैनर मिलेगा जो ऊपर भी आपको देखेंगे। उसके लिए आपको क्या आईडी चाहिए और जो लोग आपको ये कह रहे हैं ना कि भाई बिना उसके नहीं आ सकते हैं, नहीं कर सकते, आप आ सकते हो, आगे आप यहाँ पे अपनी आईडी लेके आओ और आपको ये मिल जाएगा। आईडी होना जरूरी है, आधार कार्ड लिया था, कोई भी आईडी, हाँ जरूर लेके आना, हार्ड कॉपी मांगते हैं, तो बस यही है। धन्यवाद भाई। तो आपको नीचे सोनप्रयाग से ऐसी कैब में आना है और ये आपसे 50 रुपये पर हेड लेते हैं, 50 रुपये एक बंदे का चार्ज है। और भाई हालचाल बताएं, भाई की बैक में पेन हो रहा है, ये बचपन के जो कांड करे थे ना वो अब आ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ ठंडा है तो इसकी बैक में पेन हो रहा है, तो इसके लिए देख कर कुछ मेडिसिन लेते हैं आगे से फिर चलेंगे। अब यहाँ पे यहाँ से वैसे आधा किलोमीटर है डंडा यारा, तो यहाँ से गौरीकुंड आधा किलोमीटर है, तो गौरीकुंड की भी अपनी एक अलग स्टोरी है जो केदार से रिलेट नहीं करती बट हाँ शिव जी भगवान से करती है। वैसे यहाँ से हमारा ऑफिशियल ट्रैक स्टार्ट होता है, जो हमारा ट्रैक स्टार्ट हुआ यहाँ से है। तो अब सबसे पहले हम चलते हैं जो गर्म पानी का कुंड है वो देखने। तो इस कुंड की जो स्टोरी है ना, तो एज आपको पता ही चल रहा होगा कि यहाँ का नाम गौरी कुंड है और ये कुंड है, गर्म पानी आता है इसके अंदर। तो इसमें बताया जाता है जब गौरी माँ या पार्वती माता जब शिवजी जी के लिए तप कर रही थी ना, तो वो यहीं पर अपनी तपस्या करती थी और इस कुंड में स्नान करती थी। और इस कुंड की एक बात और है कि जब वो गणेश जी को गौरी माँ ने बनाया था, तो जो अपने महल से बनाया था ना उनको, तो वो यहीं पे नहाती थी इसी कुंड से, वो महल इकट्ठा करके उनको गौरी जी ने बनाया था गणेश जी को। भाई ये भाई मेरे को अपने साथ लेके चल रहे हैं, टेंशन लेने की जरूरत ना है, तू टेंशन ले रही है, है? किधर उधर टेंशन लेने की, अरे राना किन चक्र में पड़ रहा है, मैं हूं गैल। यो है गैल, गैल हो रहा है कभी हम मकाई काम मकाई के बजट लेगा बता देखियो। तो ये कुंड है, उधर लेडीज के लिए मंगा रखा बना रखा है, जेंट्स के लिए है, और ये पानी वहां से आ रहा है, नीचे से कहीं से बोल रहे हैं कि वहां से पानी आता है, और तो पानी उस अभियान में आ रहा है। पर ये सब छोटी बात है ना, इतना ठंडा एरिया है, साइड में नदी है और इतना ठंडा पानी आ रही है, ये गर्म पानी कहाँ से आ रहा है, मुझे जानने वाली बात है। ठीक है भाई, तो बस गौरीकुंड की स्टोरी यही थी, यहाँ पार्वती माता स्नान करती थी और उसी टाइम से यहाँ पर कुंड है और गर्म पानी भी हमेशा आता रहता है, तो लोग जो भी यहाँ आते हैं तो यहाँ पर नहा के या जैसे ना कोके मतलब एक टाइम ट्रैवल करके आते थक जाते हैं, तो यहाँ पर नहा के तुम्हारी थकान दूर हो जाती है, तो इसलिए लोग यहाँ पे नहाते हैं और अपना आगे ट्रैक स्टार्ट करते हैं। वहाँ के बाद हम मंदिर जाएंगे, अभी गुरु माँ का मंदिर देखेंगे, फिर हम उसको अपना ट्रैक स्टार्ट उससे बात करेंगे। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से निकल के मिलता हूँ। तो अब हम चलते हैं मंदिर, बोलेंगे यहाँ से निकल जाओ, पीछे से मंदिर चल जाओगे। तो कुंड के साइड से हम मंदिर जा सकते हो, तो मंदिर और देखते हैं। तो वैसे मैं बता चुका हूँ, शायद पता नहीं मुझे याद नहीं, तो बता देता हूँ फिर से, जो यहाँ पे माता का मंदिर है उसकी स्टोरी ये है कि जब पार्वती माता शिव जी से
विवाह करना चाहती थी और सिर्फ जिन जिन नहीं करना चाहते थे वो देखना चाहते थे वो उस काबिल है या नहीं है, तो उन्होंने उनको तप करने के लिए बोला था। तो उन्होंने यहाँ पे तप किया था, बहुत जगह तप किया था, बट लास्ट टाइम उन्होंने यहाँ पे तप किया तो शिव जी ने यहाँ पर्सन होकर उनको शादी के लिए हाँ कर दिया था। तो इसलिए वो मंदिर यहाँ पे है और इसलिए इस जगह का नाम गौरीकुंड है। माता का मंदिर वो है ना, ये गौरीकुंड। तो ये गर्म पानी यहाँ से आता है, ये गर्म पानी का आगे है, ये तो गौरीकुंड है, यहाँ पूजा होती है, गणेश जी का जन्म स्थान। अच्छा, ये गणेश जी का जन्म स्थान है, तो वो बोलते कि माता ने गणेश जी को यही बनाया था, वो यही है। हर हर महादेव, जय माता दी। मुझे ये नहीं था कि गुफा के अंदर थी गौरी माँ, जब अच्छा चारों तरफ से इसी वही था, तो फिर मैं आप लोगों को बता रहा था कि भाई गणेश जी को माता ने यही बनाया था, तो इस स्थान पे बनाया था। और उसके बाद जब माता दोबारा तपस्या में गई थी तो गणेश जी को बोला था कि आप मेरी रक्षा करो, किसी को अंदर मत आने देना, ठीक है। तो इसलिए गणेश जी ने प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए शिव जी को अंदर नहीं जाने दिया था, वो क्रोध में आकर उन्होंने उनकी गर्दन काट दी थी। बट उसके बाद एक हाथी के बच्चे की गर्दन को लगा के गणेश जी बनाया था पूरा। तो ये स्टोरी यहाँ से बिलोंग करती है, तो ये प्लेस है, तो पूरा तो शिव जी माता यहाँ से त्रिकी नारायण है 13 किलोमीटर दूर जहाँ पे शादी हुई। कल आने का कल। तो ये माता का मंदिर है, गौरी माता का मंदिर जहाँ पे उन्होंने तप किया था। तो अब मंदिर मंदिर चलते हैं। तो मैं भाई माँ के दर्शन कराऊं अंदर जाकर। तो अभी ना मेरे को एक नई चीज पता चली है जो किसी ने मेरे को पढ़ के बताई, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने वैसे फोटो ले लिया था, तो उसमें पूरा स्टोरी बता रखे। वैसे जो हमारे चार धाम है केदारनाथ और कैसे यहाँ बने, पांडव जब आए थे उनको ढूंढने के लिए शिव जी को, वो यहाँ पे नंदी का रूप लेके रह रहे थे, जो सबको स्टोरी पता है केदारनाथ की। बट जो सबसे मेन पार्ट है ना वो ये है, भगवान के शेष चार भाग भी है, मतलब ये पूरा कम्प्लीट नहीं है मंदिर अगर बोला जाए एक तरीके से। अगर हमें कंप्लीट केदारनाथ की कंप्लीट केदारनाथ के दर्शन करने होंगे तो हमें नेपाल के पशुपतिनाथ के भी दर्शन करने पड़ेंगे, जब भी वो कंप्लीट माने जाते हैं। वैसे भगवान के चार शेष भाग जो दिखाई देते हैं यहाँ पे, तो तुंगनाथ में पेट है उनका, मध्य महेश्वरम में और लटा के साथ मस्तिष्क कल्पेश्वर में दिखाई देता है। माँ भगवान शिव की अभिभूति के रूप में पूजा की जाती है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो सिर्फ उनकी पीठ है ना, पीठ है यहाँ पे केदारनाथ में, और आपको कंप्लीट अगर दर्शन करने हैं तो आपको इन सब जगह जाकर उनके दर्शन करने पड़ेंगे। तुंगनाथ का तो मेरा प्लान है नेक्स्ट जाने का, और सबसे जो मेरा मेरे को बहुत मन है वहाँ जाने का वो है पशुपतिनाथ नेपाल में, तो जल्दी वहाँ का भी बनाएंगे। तो अभी बस यही मेरे को आपको बताना था, अब हम यहाँ से चलते हैं, मेरा ट्रैक स्टार्ट कर लें क्योंकि 8:40 हो गए हैं यहाँ पे। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day.